भारत में पहली दफा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। दुनिया के विकसित देशों में यह होता है, विकसित देशों में यह होता है कि समाज के समस्याओं का डिजिटल सॉल्यूशन स्टूडेंट्स ढूंढते हैं। कॉलेज के छात्र, इंजीनियरिंग के छात्र अपनी मेहनत से, प्रतिभा से जनता की समस्या जो उनको दी जाती है उसका डिजिटल समाधान ढूंढते हैं। यह एक अद्भुत पहल है और इसलिए पिछले अनेक महीनों से इस पर तैयारी शुरू थी। मुझे इस बार खुशी इस बात की है कि भारत सरकार के लगभग 29 डिपार्टमेंट्स ने पास नियरली 600 समस्याएं जिसके डिजिटल सॉल्यूशन संभव है लेकिन आज नहीं है। ऐसे समस्याओं को इस स्पर्धा के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए दिया, छात्रों को उपलब्ध कराया। पिछले 2 महीने से छात्र इस पर तैयारी कर रहे हैं। लगभग 2100 से ज्यादा इंस्टीट्यूट के 42,000 छात्र इसमें रजिस्टर किए और उनकी प्राथमिक तैयारी के आधार पर जब आकलन किया गया तो लगभग 10,000 छात्रों अब इस फाइनल राउंड में भाग लेंगे जो 1 और 2 अप्रैल को होगी। 1 अप्रैल को सुबह 8 बजे शुरू होगी और नॉनस्टॉप 36 घंटे 2 अप्रैल रात को 8 बजे समाप्त होगी। तो जैसे जियो फेंसिंग ऑफ एयरपोर्ट करना है, स्मार्ट इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है, पैटर्न रिकग्निशन यूजिंग स्मार्ट ड्रोन्स टू मेक एयर स्पेस सेफर, पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम फॉर मरीन एनिमल्स, जीपीएस मैपिंग ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ साइबर अटैक्स, रेडियोनॉमिक्स टू मैप द डाटा ऑफ रेडियो डायग्नोस्टिक। तो जनता को जो जो भी दिक्कतें आती है छोटी छोटी और उस दिक्कतों को कम करने के लिए जो समाधान चाहिए वो डिजिटल समाधान जिसके संभव है, ऐसे ये सारे 600 प्रस्ताव है। और इन 600 प्रस्तावों पर अब ये फाइनली 10,000 छात्र काम करेंगे और उसके जो 12 घंटे के बाद पहला कोडिंग करेंगे, 12 आवर्स पहले कोडिंग करेंगे और कोडिंग के बाद उसका इवेल्युएशन होगा। अगर उसमें वो सटीक पाए जाते हैं तो उनको आगे 24 घंटे काम करने को मोहलत मिलेगी और वो फिर फाइनल प्रोडक्ट तैयार करेंगे। एंड देयर वाज ट्रेमेंडस रिस्पांस व्हेन वी अनाउंस दिस बिकॉज ऑल डेवलप्ड कंट्रीज हैव दिस स्मार्ट हैकाथॉन। हैकाथॉन इज डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। हैकिंग इन आवर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग इज अ नेगेटिव वर्ड बट इट इज इसेंशियली मीन्स इट डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, दैट इज इनोवेशन। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म नए तरीके से भारत में पहली दफा हो रहा है, ये बहुत अच्छी खबर है। इससे डिजिटल इंडिया को, इससे इनोवेशन इंडिया को, इससे मेक इन इंडिया को, तीनों मिशन को इससे बढ़ावा मिलता है।